उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है और उसके 21 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है। अभी कल लखनऊ में जो 68,000 शिक्षकों की भर्तियों होनी थी उसमें जो करप्शन हुआ, गड़बड़ी हुई, उसके खिलाफ जब प्रदर्शन कर रहे थे लोग तो उन पर बराबर लाठीचार्ज हुआ। उनमें जो महिलाएं थी, छात्राएं थी, उनके ऊपर भी जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं उन लोगों ने लाठीचार्ज करके उनके सर तोड़ दिए। ये एक पहली घटना नहीं, एक एक उदाहरण है कि योगी सरकार जब से आई है ये एक दमनकारी सरकार है। हर प्रदर्शन पर, चाहे वो छात्रों का रहा हो, चाहे बेरोजगारों का रहा हो, शिक्षकों का रहा हो, कर्मचारियों का रहा हो, सब पर उसने लाठीचार्ज करके उनकी सही आवाज़ को दबाने का काम किया है और उनकी हर जो जेन्युइन मांग है उसको दरकिनार करने की कोशिश की है। यही एक पूरे इनके राज का है, हम लोग देखते हैं। देखिए कि सबसे ज़्यादा मुठभेड़ इस दौरान फर्जी मुठभेड़, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक लोग उसके शिकार हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मानवाधिकार आयोग ने भी उनको कई बार चेतावनी भी दी थी और अभी जो गाजियाबाद में जो जिम ट्रेनर को गोली मार दिया था पुलिस वालों ने, उसको मुआवजा देने के लिए भी कहा है। लखनऊ में एप्पल के मैनेजर को पुलिस वालों ने गोली मार कर हत्या कर दी। ये सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है उसका दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में हुआ। NSA में राजनीतिक विरोधियों को चुन चुन कर गिरफ्तार किया गया। चंद्रशेखर को 1 साल से ज़्यादा तक जेल में रखा गया और भी तमाम नौजवान जो लोगों की आवाज़ लेकर उठ रहे हैं उनको भी NSA लगाया जा रहा है। अभी गोंडा की तरफ जो है वहाँ एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई, वहाँ 75 से ज़्यादा लोगों पर राष्ट्र लगाने की कार्रवाई हुई। तो अब पूरा आप देखें कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भय का माहौल बना रखा है, इस सरकार ने डर का माहौल बना रखा है और जो लोग भी अपनी बात कहना चाहते हैं उन पर लाठी चार्ज, गोली चलाने का काम, जेल में भरने का काम और फर्जी मुठभेड़ के जरिए उनकी आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। शिक्षकों जो शिक्षा मित्र हैं उनकी आवाज़ को दरकिनार कर दिया गया, उनको 10,000 रुपये मानदेय दे रहे हैं। इस दौरान जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं युवाओं के सवाल, सरकार ने कहा था कि हम सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगे और भर्तियाँ करेंगे, एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें करप्शन का मामला पकड़ा ना गया हो। जो शिक्षकों की भर्ती थी उसको CBI ने जाँच का आदेश दिया, उस जाँच में भी ये सरकार अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ बेरोजगारों के साथ पूरा छल किया, किसानों का जो कर्ज माफ़ी का दावा किया था उसमें एक दो रुपये के कर्ज माफ़ी हुए और अभी भी वो पूरे तरह से जितने किसानों का, इन लोगों ने एक तो फसली बीमा ही केवल जो ऋण था उस फसली ऋण था उसी को माफ़ किया था और कर्जे जो उनके ऊपर थे उसको पूरी तरह से माफ़ नहीं किया, तो उसमें भी झूठ बोला जनता के साथ। तो किसानों, चाहे वो किसान हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, अभी जो शिक्षक और कर्मचारी हैं उनको, उनके लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है। सारे शिक्षक और कर्मचारी उस पुरानी पेंशन व्यवस्था को ही बरकरार रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन को भी यह सरकार सुन नहीं रही है। तो एक जो जनहितैषी जितनी योजनाएं हैं वो भी फेल साबित हो रही हैं। अभी जो राइट टू फूड कैंपेन है उसने जो पूरे देश में 50 से ज़्यादा भूख से मौतों की जो सूची जारी की है उसमें कुशीनगर ज़िले में अभी कई भुखमरी से मौत हुई है। मैं तो वहीं का हूँ, वहाँ पर गया भी था। मुसहर जो सब दलित हैं और सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में हैं, 8 लोगों की 1 महीने के अंदर मौत हुई है भूख से मौत, लेकिन ये सरकार उस मौत से भी इनकार कर रही है। तो भूख से मौतें हो रही हैं, लोग गरीबी से परेशान हैं, किसान अपने परेशान हैं, जो गन्ना किसान है, एक बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की है, उनके जो गन्ना मूल्य बकाया थे करोड़ों रुपए, इस साल सर्वाधिक बकाया है और ये सरकार अभी तक उनको दे नहीं रही है, बल्कि उल्टे जो चीनी मिल मालिक हैं जिन्होंने उनका गन्ना मूल बकाया कर रखा है वो उनको ही ऋण दे रही है। और किसानों को एक तो गन्ना मूल बढ़ाया नहीं, वो मांग करते रहे कि 350 से 400 उसको किया जाए, उसको नहीं माना, और जो गन्ना मूल है उसको भी नहीं दे पा रही है। पिछले 2 साल से करोड़ों रुपया चीनी मिलों ने गन्ना किसानों का दबा रखा है। तो इस सरकार में हर तबका परेशान है और अपने आवाज़ को उठाना चाह रहा है तो सरकार उसको दबा भी रही है। तो ये पूरा इसका वाक्य है। दूसरी तरफ जब आप फेल हो रहे हैं, आप जनता के जो संबोधित हैं मांगे उनको पूरा करने में फेल हो रहे हैं, तो जनता को भटकाने के लिए आप दूसरे जो गैर जरूरी मुद्दे हैं, आपने देखा कि मुगलसराय स्टेशन बदलने नाम बदल दिया, इलाहाबाद का नाम बदल दिया और अब तो मजाक चलने लगा है यूपी में कि सब जगह का नाम बदल दें योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा अयोध्या में जो पिछले वर्ष दीपावली के समय एक नाटक किया गया, करोड़ों रुपया खर्च किया गया, फिर अब वहाँ पर हो रहा है कि एक श्रीराम की एक बड़ी मूर्ति वहाँ स्थापित की जाए।
परंतु आप जरूरी जो सवाल है जनता जिसको कह रही कि हमारे सवाल हैं, किसान जो सवाल उठा रहे हैं कि हमको खेती से लाभ नहीं मिल रहा है, हमको अपने फसलों का उचित दाम मिलना चाहिए, हमको और सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमारा कर्जा माफ़ होना चाहिए, जो बेरोजगार हैं वो रोज़गार मांग रहे हैं, जो भर्तियाँ हो रही है उसमें जो करप्शन हो रहा है उसका उनको हल की मांग कर रहे हैं, इन सारे सवालों को अनदेखी करके ये सरकार जो है वो गैर जरूरी मुद्दे उठाकर जनता को भटका करके, और हमारा मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का, उसको लोग कहने लगे हैं कि चुनाव में मुख्यमंत्री है, वो यूपी में रही नहीं थे, उनका सारा समय जो है दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में जाता है, बाकी समय अपने मठ में पूजा पाठ करने में जाता है, उनके पास जनता के लिए सुनने के लिए समय भी नहीं है। तो ये पूरे हालात उत्तर प्रदेश के हैं, और मुझे लगता है कि यूपी के इतिहास के राजनीतिक इतिहास में ये सबसे असफल सरकार है जनता के मुद्दों पर, और सबसे दमनकारी सरकार है। इसलिए इस 21 महीनों में ही यूपी में जिस तरह के आप देख रहे हैं छात्रों, युवाओं, उबाल जो है कर्मचारियों तक में उबाल है कि इस सरकार के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, और जगह जगह जन आंदोलन फूट पड़ रहे हैं।